नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं न्यूज लॉन्च। इंडिया अलायंस की आज वर्चुअल मीटिंग हुई। वर्चुअल मीटिंग में इंडिया अलायंस की चार बैठकें पटना, बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली, इन सब बैठकों में जो फैसला नहीं हो पाया था वो फैसला हो गया, और उस फैसले के पीछे एक बड़ी रणनीति भी है। और इस सारी रणनीति के सूत्रधार नीतीश कुमार, इन तमाम चर्चाओं के बीच, सियासी अटकलों के बीच नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे, किधर से जाएंगे, कैसे जाएंगे। नीतीश कुमार का ऐसा प्लान, उस प्लान को इस चर्चा में हम डिकोड करने की कोशिश करें। वो प्लान जो मोदी को सबसे ज्यादा दर्द देने वाला है, वो प्लान जो 22 जनवरी के मेगा इवेंट के असर को काटने वाला, वो प्लान है क्या, उसकी चर्चा मैं शुरू करूं। उससे पहले मैं अभिषेक कुमार हमारे साथी हैं और खासकर जेडीयू और नीतीश कुमार की राजनीति को बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं। आज जो सबसे बड़ा फैसला हुआ है, इंडिया अलायंस का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दलित मल्लिकार्जुन खड़गे, यानी इंडिया अलायंस में दलित फेस को आगे कर दिया गया है बतौर अध्यक्ष। अब दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है संयोजक का, कन्वीनर का। सामान्य रूप से कन्वीनर के फेस में नेक्स्ट पीएम का फेस देखा जाता है, तलाशा जाता है, लेकिन नीतीश कुमार लगातार गोदी मीडिया जिस नीतीश कुमार को कह रही थी कि उनके भीतर की एक ही महत्वाकांक्षा है संयोजक बन जाए, नीतीश कुमार ने खुद इस ऑफर को ठुकराया। मीटिंग के भीतर से जो बिल्कुल पुष्ट खबरें आई हैं, उस मीटिंग में जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार के साथ साथ ललन सिंह भी थे, संजय झा भी थे, और उनके हवाले से, झा साहब के हवाले से खबरें आई हैं बाहर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सीधा सीधा ऑफर किया था नीतीश कुमार को कि आप ही संयोजक के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे ऐसी कोई पद की लालसा नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जो बड़े दल हैं या इंडिया अलायंस के सारे दल हैं वो एक रहें और एक मत रहें। दोनों बातें गौर से समझिए, एक रहें और एक मत रहें, हम लोग तेजी से आगे बढ़ें, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाए। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे संयोजक बनने से। नीतीश कुमार ने संयोजक बनने को लेकर के जो अनिच्छा जताई, उसके पीछे भी शायद एक बड़ी रणनीति है, और वही रणनीति जो मोदी को नाको चले चबवा सकती है, वही रणनीति जिसका मुजाहिरा मध्य प्रदेश में, राजस्थान में मोदी ने खुद किया था। अब वो नीति है क्या, वो रणनीति है क्या, और नीतीश कुमार के दिमाग में क्या कुछ चल रहा होगा, समझने के लिए अब हम चलते हैं अभिषेक कुमार के साथ बात करते हैं। अभिषेक, एक तो बड़ा फैसला, पहले हम इस पर चर्चा करेंगे, पहला सवाल, फिर हम नीतीश कुमार पे जाएंगे, क्योंकि अध्यक्ष के रूप में खड़गे का चयन मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि एक बेहतरीन फैसला आज किया, क्योंकि दलित फेस, मैच्योर फेस, कांग्रेस में ऐसे वरिष्ठ नेता जिनके अध्यक्ष बनने के बाद से दुनिया भर के वो G20, G23 सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया, क्योंकि उन पर उंगली उठाने में सबके सब वो कंफर्ट जोन में नहीं थे। कांग्रेस के भीतर जो उंगली उठाने वाले या कांग्रेस के भीतर कहते हम लोग बीजेपी के पेरोल पर काम करने वाले, वो भी डिस्कम्फर्ट वाले जोन में आ गए, वो उन पर उंगली उठा नहीं पा रहे। खड़गे साहब को चुन करके गठबंधन में एक ऐसे वयोवृद्ध नेता, अनुभवी नेता को आगे किया गया अध्यक्ष के रूप में कि जिसकी बातों पर कांग्रेस के भीतर या एनडीए में ज्यादा राग नहीं हो, और दूसरा दलित फेस, 22 से पहले आज 13 तारीख को इंडिया अलायंस का एक दलित चेहरा आ गया, इसका क्या आप असर देख रहे हैं, ये फैसला कैसे देख रहे हैं? देखिए आशीष जी, आज कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस के अंदर जो चीजें हुई है उसमें दूर की रणनीति ज्यादा दिखाई देती है।
कई लोग ये कह रहे थे कि संयोजक बनाने के लिए बैठक है, और संयोजक वाली बात पर जब आप सवाल के दूसरे हिस्से में अगले सवाल पर आएंगे तब हम आएंगे। फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे वाली बात पर आते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाना, इंडिया अलायंस का अध्यक्ष बनाना एक ऐसा फैसला है जिस फैसले के सहारे पूरे हिंदी भाषी भारत की बात यदि आप करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जो लाभार्थी चेतना जगाई है, और लाभार्थी चेतना का बहुत बड़ा हिस्सा दलित समुदाय से आता है। दूसरी बात, तीसरी बात कि उत्तर भारत में दलित राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन 15 जनवरी को आज से 2 दिन बाद है, और इन तीनों ही परिस्थितियों को आप एक साथ रख करके देखें तो इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी के सामने जो चुनौती पेश की है उस चुनौती की सफलता की पूर्व शर्त पर भी हमें चर्चा कर ही लेनी चाहिए। वो पूर्व शर्त यह है कि रणनीति बनाना एक अलग चीज होती है, और रणनीति को क्रियान्वित करना, एग्जीक्यूट करना वो दूसरी चीज है, वो सफलता का एक दूसरा पहलू है जो करना उतना ही जरूरी है जितना कि स्ट्रेटजी बनाना। कांग्रेस पार्टी ने रणनीति बहुत अच्छी बनाई है, इस बार आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन कांग्रेसी उसे दलितों के बीच लेकर के कितना जाते हैं इस सवाल के बारे में हमें जरूर गंभीरता से सोचना चाहिए। और हम तो पत्रकार हैं, जिसकी बात होगी क्या कांग्रेस क्या भाजपा क्या इंडिया क्या एनडीए सबकी बात हम करेंगे, लेकिन कांग्रेस को कांग्रेसियों से और कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा राहुल गांधी से ऊपर जाकर के गोदी मीडिया भी ना दिखा पाए और मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समाज के बीच तक पहुंच जाए, ये कांग्रेस के लिए भी शुभ संकेत है। मध्य प्रदेश में वोटों का अंतर देखे तो बहुत ज्यादा नहीं था, राजस्थान में वोटों का अंतर ज्यादा नहीं था, छत्तीसगढ़ में वोटों का अंतर ज्यादा नहीं था, हरियाणा में आपको पता है कि दलित और जाट इकट्ठा हो जाते हैं तो पूरी सियासत बदल जाती है, पूरी सियासत बदल जाती है। हिमाचल उत्तराखंड में दलित और कांग्रेस पार्टी के वोट इकट्ठे हो जाए तो पूरी सियासत बदल जाएगी, जाट जाटो इकट्ठे हो जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित और जाट इकट्ठे हो जाए माइनॉरिटी के साथ पूरी सियासत बदल जाएगी। तो जो हालात बन रहे हैं, एक तरफ से कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं और बहुत कामयाब कोशिश कर रहे हैं, और आज उन्होंने दूर की कौड़ी खेली है उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाकर जो सिंबोलिज्म आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को लाकर के अति पिछड़ों में और पिछड़ों में 2013 में दिया था, वही काम आज इंडिया अलायंस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फ्रंट पर लाकर हिंदी भाषी क्षेत्रों में उथल पुथल मचाने के लिए कांग्रेस ने दी, इंडिया अलायंस ने दिया है। आप देखिए हिंदी भाषी भारत की बात आप करते हैं, सारी चुनावी लड़ाई यही है, पंजाब को छोड़ दें तो हिंदी भाषी भारत में 232 लोकसभा सीटें हैं, और 232 लोकसभा सीटों में आप अनंतनाग से शुरू कर दीजिए और जमशेदपुर तक पहुंच जाइए और उधर किशनगंज से शुरू करके जैसलमेर तक पहुंच जाइए, हिंदी भाषी भारत की 232 सीटें माइनस पंजाब, पंजाब को मैं माइनस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पंजाब में बीजेपी का कोई खास अस्तित्व नहीं, नहीं, लेकिन जहां बीजेपी का अस्तित्व है उनकी बात हम कर रहे हैं। 232 में बीजेपी के पास 181 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 6 सीटें हैं, केवल 6 सीटें हैं। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि इंडिया अलायंस 100 तक पहुंच गया, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, नीतीश कुमार, लालू यादव, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, इनकी पार्टियां भी तो 50-55 सीटें लाएंगी इस हिंदी भाषी भारत में। तो हिंदी भाषी भारत में अभी भाजपा 125 से 130 के बीच सिमट गई, मतलब सत्ता की होड़ से बाहर हो गई, और ये तभी संभव है जब कांग्रेस पार्टी 50 सीटों तक पहुंच जाए, 40 से 50 सीटों तक, और इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का प्लेसमेंट, नरेंद्र मोदी की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के सामने उनके बरक्स रखना कांग्रेस की ही नहीं इंडिया अलायंस की भी एक मजबूरी थी। ये काम कुछ पहले हो जाता तो और बेहतर था। खैर, खड़गे साहब देर तो हुई, लेकिन कई बार कहते देर आए दुरुस्त आए, खड़गे साहब को अध्यक्ष बना करके तो हमने पूरा समझा कि इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, और शायद जिसकी आपने चर्चा की 15 जनवरी को बहन जी का जन्मदिन है, शायद अब वो न्यू भी डल गई है, क्योंकि बहन जी अब जब इंडिया अलायंस के अध्यक्ष के रूप में एक दलित वरिष्ठ दलित नेता को आगे कर दिया गया है तो शायद मायावती के पास भी विकल्प कम हो गए हों। विकल्प की बात है कि अब क्या कह के उत्तर प्रदेश में दलितों के पास जाएंगी कि हम दलित चेहरे के खिलाफ एक ऐसा अलायंस
जिसका नेतृत्व एक दलित के हाथ में है, उसके खिलाफ हम वोट मांगने आए, क्या इस देश में दलित? हाँ, तो एक ये रास्ता मायावती के लिए, सामने भी दिक्कत होगी, वही दिक्कत की बात। अब नीतीश कुमार पर आते हैं, नीतीश कुमार उन्होंने अनिच्छा जाहिर की, इस अनिच्छा को सामान्य नहीं कह सकते क्योंकि लगातार पिछले 2 महीने से एक ही विषय पर इस देश की मीडिया, जिसे मीडिया कहना हमारी मजबूरी है, मीडिया कह देते हैं हम, हालांकि मीडिया है क्या, एक पक्ष के लिए दिन भर नृत्य करते हैं, लेकिन वो मीडिया 2 महीने से यही चला रही है कि सिर्फ एक ही महत्वाकांक्षा, ऐसे लग रहा था कि नीतीश कुमार ने सब हासिल कर लिया, और कई बार कहते हैं ना चुटकुलों में कि सब मिल गया, बस एक ही पद, एक ही सपना अधूरा रह गया संयोजक बनने का। उनका लगता ऐसे मीडिया यही दिखाती थी, यही प्रेजेंट करती थी कि नीतीश के जीवन में सब कुछ हासिल हो गया है, बस एक चीज हासिल नहीं कर पाए, वो संयोजक बनना चाहते हैं, वही उनके जीवन का आखिरी लक्ष्य है, यही दिखाने की कोशिश थी। आज नीतीश ने कांग्रेस के ओपन ऑफर को, जो सभी दलों के नेताओं के बीच में खुला ऑफर था कि आप ही सबसे योग्य हैं इस पद के लिए, कन्वीनर के लिए, उन्होंने अनिच्छा जाहिर की, उसको मना कर दिया पद। हो सकता है और दबाव बढ़े, हो सकता है और उनको मनाया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार जरूरी है, नीतीश कुमार गठबंधन कांग्रेस के भीतर नहीं, गठबंधन के अन्य सहयोगियों को आम राय उनके साथ बनाने में, ममता बनर्जी को एक मिनट के लिए हम किनारे करें, तो बाकी लोगों के साथ आम राय बनाने में नीतीश कुमार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो, अखिलेश यादव से लेकर के तेजस्वी यादव तक और उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार, जहां भी नीतीश कुमार बोलेंगे सामान्य तौर पर ये पुरानी राजनीतिक जो है जो हमारे अनुभव है उसके मुताबिक, और नीतीश कुमार की जो महारत है उसके, दोनों को ध्यान में रखते, तो उनकी बात को कोई ठुकराएगा नहीं, वो आम सहमति बनाने के लिए मुझको लगता है सबसे मतलब बेस्ट पर्सन, बेस्ट चॉइस इंडिया अलायंस। तो हो सकता है आगे दबाव बने, हो सकता है कहने चलो ठीक है हम ये जिम्मेदारी लेते, लेकिन फिलहाल जो उन्होंने ये इनकार किया है, इस ऑफर को मना किया है, इसके पीछे सामान्य नीतीश कुमार जैसे राजनेता के लिए मैं किसी बात को सामान्य नहीं मानता, इसके पीछे हो सकता है कि एक बड़ा दांव, और क्या हो सकता है, वो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे मैंने मध्य प्रदेश राजस्थान में मोदी का एक फॉर्मूला मेरे दिमाग में आया, क्या ऐसे ही कुछ कई ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है? देखिए आशीष जी, सबसे पहले हमें समझना इस बात को होगा और इस सच्चाई को स्वीकार करना भी चाहिए कि गठबंधन राजनीति को चलाने में इस देश में दो ही राजनेताओं का नाम लिया जाता है, सबसे लंबा अनुभव, एक ज्योति वासु वाम मोर्चा की सरकार को चलाना और दूसरे नीतीश कुमार। याद रखिए केंद्र से राज्य तक नीतीश कुमार ने, चाहे वीपी सिंह सरकार में वो मंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे, 18 साल 19 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 7 साल केंद्र में मंत्री रहे, इन सब को आप देखें तो 18 और 7 25 साल तो हो गए इनके सत्ता में रहते हुए, और इन 25 सालों में एक भी सरकार उनकी ऐसी नहीं थी जो गठबंधन की ना रही। तो गठबंधन की, केंद्र से लेकर राज्य तक की बात मैं कर रहा हूं, तो गठबंधन राजनीति कैसे होती है, गठबंधन में सामंजस्य कैसे बिठाया जाता है, और गठबंधन सरकार को चलाने के लिए जिस स्किल की जरूरत होती है इस देश में, इस साफ गोई के साथ स्वीकार करना चाहिए कि वो किसी राजनेता के पास नीतीश कुमार से ज्यादा नहीं है, किसी ने उतनी बड़ी गठबंधन सरकार नहीं चलाई है, उतने लंबे समय तक नहीं चलाई। अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार ने संयोजक का प्रस्ताव जब उनको एमके स्टालिन की तरफ से रखवाया गया या रखा गया एमके स्टालिन की तरफ से आज की वर्चुअल मीटिंग में, तो नीतीश कुमार ने ठुकराया क्यों? पहली चीज, आप पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते का मीडिया, 2 महीने का मीडिया नैरेटिव आप देखें तो जब से ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस की पिछली मीटिंग में एज ए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम उछाला, जिसको खड़गे साहब ने खुद ही डिनाई किया कि चुनाव के पहले ये सब करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद से मीडिया ये नैरेटिव बनाने में लग गया कि नीतीश कुमार को रोकने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ममता बनर्जी ने चलाया है, और इन्हीं गोदी मीडिया मालिकों के चैनलों के मुताबिक ममता बनर्जी को यह लगता है कि उनकी पार्टी इंडिया अलायंस में कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा संख्या में सीटें लेकर आ सकती है, इस वजह से कोई तीसरा क्यों बने, हम नहीं तो कोई नहीं, इस वजह से और दलित वोटों पर निशाना साधकर मोटे तौर पर नीतीश कुमार को रोकने के लिए ममता बनर्जी ने चाल चली, ये जैसा मैं नहीं कह रहा गोदी मीडिया के लोग कहते हैं। अब सवाल उठता है कि आज की वर्चुअल मीटिंग में अपनी निजी व्यस्तताओं की वजह से ममता बनर्जी नहीं थी, पहली बात, और ममता बनर्जी की अनुपस्थिति में
अगर नीतीश कुमार को संयोजक चुना जाता तो यही गोदी मीडिया और ज्यादा चिल्लाता कि ममता बनर्जी को ये पता था कि नीतीश कुमार संयोजक बन रहे हैं इसलिए वो बैठक में नहीं आई। देखिए ममता बनर्जी और सीपीएम के बीच जो कुछ है वो छिपा हुआ नहीं है और वो रहना भी चाहिए, इसलिए कि ममता बनर्जी वोट बैंक के एक ऐसे पहाड़ पर बैठी हुई है जो पहाड़ भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं झुकता है, बल्कि वो पहाड़ यदि ममता बनर्जी को उतारेगा तो फिर सीपीएम को बिठा देगा। जो पश्चिम बंगाल का नैरेटिव है भद्रलोक, जो लेफ्ट लिबरल रुझान का माना जाता है, उदार वामपंथी सोच का भद्रलोक माना जाता है, जो 16-17% है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो पॉलिटिक्स पूरे देश की और राज्य की वहां की जा रही है, तो उसमें 30-32% माइनॉरिटी और वही 48-49% वोट ममता बनर्जी को मिला था असेंबली में, आप देखेंगे तो। तो ममता बनर्जी एक ऐसे पहाड़ पर है कि सीपीएम उनके लिए थ्रेट भी है और बीजेपी का मुकाबला भी करना है। तो ममता बनर्जी कोई ऐसा कदम मुझे नहीं लगता, उठा ले तो अलग बात है, मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी कोई ऐसा कदम उठाएंगी जिससे बीजेपी, जो उनके भतीजे को भी तंग कर रही थी, आजकल कम तंग कर रही है लेकिन उनकी पार्टी के लोगों को तंग कर रही है, उनके राज्य में ईडी जा रही है, तो जो हालात है उसमें ममता बनर्जी कुछ करेंगी, इस तरह का उल्टा सीधा काम किसी को नहीं लगता, हो जाए अलग बात है। लेकिन आज यदि आप ध्यान रखिए नीतीश कुमार संयोजक बन जाते तो जो बात आप कह रहे हैं कि ऐसे लगता कि उनके जीवन का ध्येय पूरा हो गया, एक ये मैसेज जाता, संयोजक बनने से उन्हें कुछ हासिल हो जाता ऐसी बात तो है नहीं। दूसरी चीज, संयोजक बनते तो एक तरफ आप और हम कह रहे हैं, हम लोग की एनालिसिस है या जेडीयू के लोगों का मानना है कि यूपी बिहार झारखंड के सोशल इंजीनियरिंग में अखिलेश यादव और हेमंत सोरेन और लालू यादव, जयंत चौधरी, इवन कांग्रेस पार्टी, सबको जरूरत है नीतीश कुमार की, कि वही एक पलड़ा है, उन्हीं का एक वोट है, चाहे वो जाति जनगणना वाला हो या उनकी बिरादरी का वोट हो, वो एक ऐसा वोट है जो नीतीश कुमार का चेहरा लगाकर बीजेपी को सीधे सीधे पटखनी दी जा सकती है। तो जब संयोजक नीतीश कुमार बन जाएंगे तो क्या वो वही काम करेंगे जो जॉर्ज फर्नांडिस या हरकिशन सिंह सुरजीत करते थे, कि ममता, समता, जयललिता, जो नाराज हो, कभी पोएस गार्डन में चेन्नई में जयललिता को मनाने जॉर्ज साहब जा रहे हैं, कभी किसी को मनाने जा रहे हैं, कभी किसी को मनाने जा रहे हैं, वही काम तो नहीं करते ना। अब वही काम करते तो कैंपेन कब करते? आप ये भी देखिए, सवाल यह कि जब वही काम नीतीश कुमार से कराना होता तो कैंपेन क्यों करते वो? आज की तारीख में मल्लिकार्जुन खड़गे के गृह राज्य में भी लोकसभा का चुनाव होना है, कांग्रेस सत्ता में आ चुकी है, लेकिन ध्यान रखिए भाजपा को 65 सीटें भी मिली है असेंबली में, और भाजपा एक ताकत है वहां, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब तो जेडीएस भी साथ है, जेडीएस भी साथ है, तो वहां के दलितों को भी मैसेज देना है कि देवेगौड़ा के बाद कर्नाटक से कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, हिंदी भाषी भारत के दलितों को भी संदेश देना है, महाराष्ट्र में प्रकाश अम्बेडकर पता नहीं लास्ट तक कहां जाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र जो कर्नाटक का सटा हुआ इलाका है, और आप देखेंगे मैप उठा के तो जिस इलाके से मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं वो महाराष्ट्र का बॉर्डर इलाका है, एकदम बॉर्डर का इलाका है नॉर्दर्न कर्नाटका का, जहां से खड़गे साहब आते हैं, वहां के दलितों को, महाराष्ट्र में दलित राजनीति और दलित चेतना हमेशा उफान पर रही है, ध्यान रखिए इस बात का, वहां के दलितों को भी संदेश देना है कि एक दलित जगजीवन बाबू को इन्हीं जनसंघ के लोगों ने जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, तो एक दलित प्रधानमंत्री इस देश का बन सकता है, ये चेतना सबसे ज्यादा मुखर होकर आप देखिएगा कहीं सामने आएगी तो वहां की महाविकास आघाड़ी, जो इंडिया अलायंस का क्षेत्रीय स्वरूप है, उसके लिए सबसे पहले और ज्यादा मुखर रूप से आएगी, ये आप लिख कर रख लीजिए। बाकी जगह दलितों को बताना पड़ेगा, महाराष्ट्र के दलितों को बताना नहीं पड़ेगा, वो इतने चेतनाशील है। इस बात को मानना होगा कि पश्चिमी इंडिया के ज्योतिबा फूले के सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के बाद से जो जागृति तकरीबन 150 साल की है और जो जागृति कांसी राम की 30-40 साल की है, दोनों में अभी फर्क है। नहीं, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दलितों में सबसे ज्यादा जो समाज सुधारक, संत कहें, समाज सुधारक कहें, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की धरती पर जन्म लिए हैं जी, वो साहू जी से लेकर के, साहू जी से लेकर ज्योतिबा फूले तक से लेकर के सावित्री बाई फूले, बहुत लंबी कतार है। मैं वही कह रहा हूं कि उत्तर भारत के दलितों को यह बताने की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी आपके नेता नहीं, 5 किलो राशन वाले आपके नेता नहीं, राम मंदिर वाले आपके नेता नहीं, आपके नेता वो है जो प्रधानमंत्री बनेंगे और तब राम मंदिर में आएंगे, वो आपके नेता है। वही नीतीश कुमार के वोटर्स को भी बताना होगा कि आपके नेता भी प्रधानमंत्री पद की रेस में है,
और होड़ इसमें है इंडिया अलायंस के भीतर, कौन कितना ज्यादा बड़ा पोल प्लैंक तैयार करता है इंडिया के पक्ष में वो प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है ना, तो नीतीश कुमार को भी खुला छोड़ दिया गया कि अब खेलिए, मीडिया को भी नैरेटिव बनाने से रोक दिया गया, लेकिन गोदी मीडिया है मानेगी नहीं, फिर कुछ लोग नैरेटिव बनाएंगे कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ जा रहे हैं। नहीं नहीं, ये गिनती शुरू हो गई है, मैं इन्फॉर्म कर दूं दर्शकों को भी जानकारी, ये गिनती शुरू हो गई है। गिनती ये शुरू हो गई है कि कहा गया था कि 14 दल शामिल होंगे, अभी गिनती निकाल करके बाहर आई है। अभी मैं ताजा बिल्कुल जस्ट अभी जो ताजा रिपोर्ट है वो आपको बता रहा हूँ कि बताया जा रहा है कि 9 दल शामिल हुए। और जो आशंका अभी अभिषेक कुमार ने रखी कि अगर आज संयोजक बनाए जाते, नाम पर मुहर लग जाती और नीतीश स्वीकार कर लेते, तो तत्काल ये होता कि इसी वजह से ममता बनर्जी नहीं आई। जो ये आशंका आपने जाहिर की ये छपने लगी है, छपने लगी, ये लिखा हुआ है साफ साफ कि नीतीश कुमार के को जो है कन्वीनर बनाए जाने पर आज चर्चा होनी थी, ममता बनर्जी ने शायद इसीलिए दूरी बनाई है इस बैठक से। अब यहाँ पर सवाल दरअसल क्या है कि इस देश में एक परंपरा शुरू हो गई मोदी जी के काल से, जब से इस देश को नई आजादी मिली है, दर्शकों की याददाश्त थोड़ी कमजोर होती है, मैं एक चीज बता दूं। आपने इसमें एक वो दौर देखा है, छोटी सी चीज मैं कह रहा हूँ आपने वो दौर देखा है जब जॉर्ज फर्नांडिस अटल बिहारी वाजपेयी के हनुमान कहे जाते थे। कहा जाता था कि कई लोग तो संघ के लोग ये आरोप लगाते थे कि पूरी सरकार एक क्रिश्चियन के हाथों में गिरवी रख रही है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की एक सियासी मजबूरी थी कि हाउ टू कंट्रोल लाल कृष्ण आडवाणी एम्बिशंस, उनको भी कहीं ना कहीं काउंटर करना था। पहली बार भारत में दक्षिण पंथी सरकार बनी थी तो उसे पूरी दुनिया में भी एक संदेश देना था कि भारत में अल्पसंख्यकों के हित सुरक्षित है। तीसरी चीज ये थी कि संघ परिवार के साथ अटल जी की पटरी हमेशा से नहीं बैठी, भले ही वो उसी परिवार से आते थे, तो कहीं ना कहीं उसको भी कंट्रोल में रखने के लिए एक चेहरा चाहिए था। और जॉर्ज फर्नांडिस और ब्रजेश मिश्रा ये दो ऐसे चेहरे थे जिसकी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी अपना एजेंडा स्मूथ तरीके से और एजेंडा और सरकार दोनों चलाने में कामयाब थे। आज वो नौबत तो है नहीं, क्योंकि अभी सरकार ही नहीं बनी तो वो नौबत कहां से आएगी, सरकार तो चुनाव के बाद बनेगी। और ध्यान रखिए जॉर्ज फर्नांडिस संयोजक कब बने थे, जब सरकार बन गई थी तब बने थे। सारी पहल उन्होंने बिना संयोजक बने की थी कि 24 दलों को इकट्ठा किया और तब उसे एनडीए का औपचारिक नाम दिया गया जब अटल जी प्रधानमंत्री बन गए। आज वो स्थिति नहीं है, ध्यान रखिए, ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आज नीतीश कुमार संयोजक बन के क्या करेंगे, किसको जोड़ लेंगे, जिसको जोड़ना था वो पटना में ही जोड़ चुके थे, पटना के बाद कौन जुड़ा है, पटना के बाद जुड़ा कौन है, जो पटना भाजपा को छोड़ के सब जुड़ गए हैं, भाजपा को जोड़ना बस बाकी है। अब खड़गे जी आ गए अध्यक्ष बन के, क्या करेंगे चिराग पासवान, कौन दलित उनकी सुनेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आज अगर गोदी मीडिया आप लगातार शाम तक देखेंगे, दर्शक देखेंगे शाम तक, ये चलता रहेगा ड्रामा, लेकिन सवाल वही कहना कि वन वे ट्रैफिक हो गया है 14 से, बोलो और भाग जाओ, जवाब नहीं लेना है और सुनना है, चर्चा नहीं करनी है। ममता मान लिया कि नीतीश कुमार की वजह से नहीं आए, उद्धव ठाकरे भी मीटिंग में आज नहीं थे। उद्धव ठाकरे वही शख्स हैं जो जब कांग्रेस और नीतीश कुमार के बीच मतभेद की खबरें दौड़ाई जा रही थी, उस वक्त उद्धव ठाकरे फोन करके नीतीश कुमार को उनसे बातचीत किए और उनको कन्वीनर बनाने का पूरा जो सबसे पहले ये आइडिया और इस पर काम करना शुरू किया उद्धव ठाकरे ने। नीतीश कुमार के साथ बहुत कंफर्ट जोन आज में, वो भी नहीं थे बैठक में। मैं वही कहने जा रहा हूँ, बैठक में वो भी नहीं थे। यही बात तो रेखांकित करना है दर्शकों को समझाने के लिए कि आज उद्धव ठाकरे भी बैठक में नहीं थे। तो अगर उद्धव ठाकरे भी नहीं थे तो क्या उद्धव ठाकरे, जिनकी नीतीश कुमार के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, यहाँ तक कि वो इतना नीतीश कुमार की रिस्पेक्ट करते हैं कि फोन करके अपने तरफ से उनके और नीतीश कुमार के बीच कोई खटपट की खबर नहीं रही, लेकिन कांग्रेस से खटपट की खबर आई तो उन्होंने फोन कर लिया कि नीतीश जी हम हैं आपके साथ, वो उद्धव नहीं थे, क्या हुआ, उद्धव भी आज नाराज हो गए। आशीष जी, आज अपने दर्शकों को मैं एक छोटी घटना बता दूं, खुद से खुद का अनुभव। मैं एक दूसरे मीडिया हाउस में था जब कोरोना की पहली लहर आई थी और अचानक लॉकडाउन की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही थी। मेरे करीबी कुछ लोग, मजदूरी करने वाले लोग फंस गए थे उद्धव ठाकरे के इलाके में, उनके राज्य में, उस समय वो मुख्यमंत्री थे। मैंने वहां सीएमओ को फोन किया, कोई चारा नहीं दिख रहा था, फोन किया कि उन लोगों को, लोग भूखे प्यासे हैं, खाना नहीं मिल रहा है।
एक घंटे के बाद मुझे अभी भी वो याद है लम्हा, मुख्यमंत्री फोन लाइन पर आए और बोले कि आप पता कर लीजिए आपके लोगों को क्या क्या मिल गया। पता किया मैंने, खाने से लेकर गैस सिलेंडर तक, छोटा वाला 5 किलो का पोर्टेबल सिलेंडर और राशन, वो शिवसैनिकों और प्रशासन दोनों ने अपनी तरफ से मुहैया कराया। तो ये उद्धव ठाकरे हैं, बड़े भले इंसान हैं, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन उद्धव ठाकरे की सियासी राजनीतिक स्टाइल आज के दौर में जिस तरीके से, हम तो चर्चा से थोड़ा डाइवर्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी चर्चा आई है तो ये चर्चाएं जरूरी होती है जानने के लिए दर्शकों तक। जिस दौर में पिछले 2-3 दशक की सियासत तो आप लोगों ने देखी होगी, किस मुख्यमंत्री को ऐसी स्थिति में देखा होगा जो रिजाइन करके चला जाए, आखिर तक फ्लोर टेस्ट तक कहता है बहुमत मेरे पास है, साबित कर दूंगा सब कुछ। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले में कहा कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो उनकी सरकार वैलिड सरकार थी, जायज सरकार थी। लेकिन उद्धव ठाकरे इस दौर में ऐसे भले, मतलब भलमानुष जिसको कहते हैं हम लोग, ऐसे भलमानुष सियासत में कम है। और उद्धव को जो लोग जानते हैं करीब से, वो सारे बात कहते हैं कि बड़े भद्र पुरुष, सज्जन पुरुष हैं। खैर, हम इस मुद्दे पर आते हैं। आज 9 राजनीतिक दल चर्चा में, यह है कि 9 लोग थे 9 राजनीतिक दल के लोग, लेकिन वो सभी बड़ी पार्टियां हैं उद्धव और ममता को छोड़कर के। स्टालिन थे, डी राजा थे, सीताराम येचुरी थे, लालू और तेजस्वी थे, शरद पवार थे, सारे जो बड़े जितने राजनीतिक दल हैं, जो बड़े स्टेक होल्डर हैं इंडिया लाइन, वो सारे के सारे में। अब अगला स्टेप 20 जनवरी की तारीख वो है जो डेडलाइन मानी जा रही है सीट शेयरिंग के लिए। सीट शेयरिंग के लिए 20 तारीख की डेडलाइन इंटरनली कहा जा रहा है कि ये डेडलाइन इंडिया अलायंस ने आपस में तय कर रखा है कि 20 तक फाइनल है। एक ही बस पेज फंसा है मायावती का, सिर्फ एक पेज। अब मुझे जो लगता है, बाकी तो आप खबरें रोज देखते रहोगे कि टूट रहा है, फूट रहा है, क्या है। एक ही पेज है जो मायावती के एंट्री पर, वहां पर भी तमाम 2 दिन का घमासान रहा, अखिलेश यादव बनाम मायावती, मायावती की तरफ से कुछ कठोर टिप्पणियां हुई, ट्वीट्स हुए, लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव ने विधायकों की मीटिंग में कहा कि बहन जी बड़ी हैं, सम्माननीय हैं, उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा, कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करेगा। और कांग्रेस उनसे बातचीत कर रही है, कांग्रेस बातचीत कर ले, जैसा भी होगा बहन जी का सम्मान। सारी स्थिति के बाद कल समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ सीट शेयरिंग पर बातचीत होनी, आखिरी वक्त में सलमान खुर्शीद का फोन आता है कि आज मीटिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग चल रही है, अविनाश पांडे उस पर व्यस्त है, देर हो जाएगी, इसलिए हम आपको सूचित कर रहे हैं। फिर खबर चली कि एकाएक कांग्रेस के मन में क्या है, एकाएक वापस कर दिया, बैरंग वापस कर दिया, ठुकरा दिया, मीटिंग कैंसिल कर दी। क्या ये मीटिंग, जो मैंने कहा एक ही पेज फंसा है, क्या ये मीटिंग इस वजह से आगे टरका दी गई? आज एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग होनी थी, वो मीटिंग भी हो गई। और एक जो मायावती की एंट्री, कि मायावती की एंट्री हो जाए तभी कदम, 1-2 दिन और देख करके तभी कदम बढ़ाए। और सीट शेयरिंग, अगर मायावती आ जाती है तो सीट शेयरिंग तो 1 दिन का विषय है, 20 जनवरी तक की डेडलाइन है। क्या ऐसी संभावनाएं, ऐसा समीकरण बनता दिख रहा है? देखिए, पहली चीज ये है कि जो खबरें चल रही है उनको चलने दीजिए। सीट शेयरिंग सिर्फ अखिलेश यादव की सपा और कांग्रेस पार्टी के बीच नहीं होनी है। सीट शेयरिंग में जयंत चौधरी भी एक स्टेक होल्डर है, मायावती अगर आती है तो वो भी एक स्टेक होल्डर है। 15 जनवरी के बाद उनका रुख साफ होने की कुछ उम्मीद है। कुछ हद तक आप कह सकते हैं नीतीश कुमार को भी 1-2 सीटें, मसलन फूलपुर की बात होती है, 1-8 सीट और की बात होती है, वो भी एक स्टेक होल्डर है। अगर मायावती नहीं आती है तो नगीना की सीट चंद्रशेखर रावण के लिए ये लोग छोड़ने के लिए तैयार है, वो भी एक स्टेक होल्डर है। तो सवाल ये है कि दो पार्टियों में ही जब समझौता नहीं होना है, जिसमें कई सारे स्टेक होल्डर है, तो दो पार्टियों की बातचीत का मतलब क्या बनता है? गोदी मीडिया तो रोज कुछ ना कुछ नैरेटिव बनाएगा। अब कल से गोदी मीडिया ये भी नैरेटिव बनाएगा कि खड़गे को इसलिए अध्यक्ष बनाया गया क्योंकि मायावती ने मना कर दिया। अब आप देखिएगा, ये भी चलेगा इन लोगों को, क्योंकि जब नैरेटिव सेट करना है तो कुछ भी चलाइए। तो इस परिस्थिति में गोदी मीडिया की खबरों पर मत जाइए। इंडिया अलायंस जमीनी काम कर रहा है, इस बात को स्वीकार करना होगा कि इंडिया अलायंस जमीनी काम तो कर रहा है,
लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी उस लेवल पे काम नहीं कर रही है जिस तरह से इंडिया अलायंस के बाकी पार्टनर कर रहे हैं, खासकर हिंदी भाषी भारत में। इस बात को स्वीकार करना हो, हरियाणा में काम कर रही है कांग्रेस, हिमाचल प्रदेश में काम कर रही है, लेकिन क्या उत्तराखंड और दिल्ली में काम करती दिखती है? क्या राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काम करती दिखती है? और यही आप काम नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को एक सीधे सीधे आप वन साइडेड यहाँ विक्ट्री देंगे, तो फिर बात घूम फिर के वही रह जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी 220 पर पहुंच गई, और 220 पर जो पॉलिटिकल पार्टी हो उसको क्या आप कुछ भी कह ले, सत्ता में आने से रोक नहीं सकते। ये बात तय है कि जिसके पास 220 सीटें लोकसभा में हो जाए उसके लिए 272 पहुंचना मुश्किल नहीं है। अटल जी को तो 182 मिली थी, यूपीए 1 में कांग्रेस को 145 मिली थी, फिर भी वो पहुंचे। चूंकि नरेंद्र मोदी ने की सरकार ने सीबीआई और ईडी का जिस तरह से मिसयूज किया है उनके लिए 230-40 के नीचे का आंकड़ा मुफीद नहीं है, लेकिन 220 का आंकड़ा तो भाजपा के किसी दूसरे नेता के लिए मुफीद है ना, चाहे वो गडकरी हो या राजनाथ हो या कोई लिबरल हो। मोदी बगैर मोदी बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। जी सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन क्या मोदी को हटाना चाहता है या भाजपा को हटाना चाहता है? मोदी को हटाना चाहता है तो इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगी दलों की मेहनत मोदी को हटा देगी, लेकिन अगर मोदी के साथ साथ बीजेपी को भी इंडिया गठबंधन सत्ता से हटाना चाहता है तो कांग्रेस पार्टी को भी उतनी ही मेहनत करनी होगी जितनी मेहनत इंडिया अलायंस के पार्टनर अपने अपने स्टेट में कर रहे हैं। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, और इसका जवाब मुझे लगता है कि अजय राय की पदयात्रा आप देख रहे हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी आप देखेंगे, और इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी के फंडामेंटल्स आपको क्लियर होते हुए दिखेंगे कि वो किस मजबूती से आप बंगाल से जैसे ही बाहर आएगी। असम का मामला है, आज जितना भी घुड़की दे दें हेमंत बिश्व शर्मा की ये होगा वो होगा, इधर से इजाजत नहीं मिलेगी उधर से नहीं, लेकिन जब यात्रा जब उनके राज्य में पहुंचेगी उनकी कोशिश यही होगी कि शांतिपूर्वक ढंग से निकल जाए, क्योंकि यहां से ज्यादा हाइप ना मिले। असम में हाइप मिलेगा तो असम का वोट बैंक और असम की राजनीति एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस पर, एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिकी हुई रहती है, और उस नाजुक संतुलन में एक पिलर भी गड़बड़ाया हेमंत बिश्व शर्मा का तो भारतीय जनता पार्टी सीधे धड़ाम हो जाएगी, 9 लोकसभा सीटों से 1 लोकसभा सीट पर पहुंच जाएगी। नहीं नहीं, जो हिमंता कह रहे हैं, हिमंता की बयानबाजी अलग है, अगर असम में हाइप मिला तो सबसे बड़ा धक्का मोदी जी को हिमंता ही दे देंगे, वहीं से झटका मिलेगा। ज्योति बाबू की पार्टी को एक जमाने में सीपीएम को लोग बंगाल में हिंदू पार्टी कहते थे और कांग्रेस को कहते थे अल्पसंख्यकों की पार्टी, इसलिए मालदा मुर्शिदाबाद में कभी सीपीएम नहीं घुस पाई थी। आप देखिए बंगाल में भी आडवाणी की रथ यात्रा गई थी, ज्योति बाबू ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर वो गिरफ्तार करते तो खाम खा उस दौर में ही भारतीय जनता पार्टी की एंट्री हो जाती बंगाल में। ये काम लालू यादव के बूते क्यों छोड़ा गया कि बिहार में अरेस्ट करें? इसलिए छोड़ा गया कि बिहार में, पश्चिम बंगाल में कास्ट आइडेंटिटी उस ढंग से सामने नहीं आई थी। विचारधारा की एक बड़ी खासियत है कि वो कम्युनिटी का जातीय और धार्मिक सांप्रदायिक आइडेंटिटी को दबा देती है, उस विचारधारा की खूबसूरती को स्वीकार करना होगा। पहली बात, समाजवादी ताकतें बिहार में इतनी ताकतवर हुई कि यहाँ पर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एक नए रूप में सामने आई जो इजीली कंफर्टेबल है आज भी कम्युनल नैरेटिव का मुकाबला करने में, लिहाजा बिहार को ही वो प्रयोग स्थली बनाया गया जहां लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी हुई। आज कमोबेश असम उसी स्थिति में है जिस स्थिति में 90 के दशक की शुरुआत में पश्चिम बंगाल था, और असम में एक व्यापक हिंदू एकता के बूते और विपक्षी वोटों के बटने के बूते, सिर्फ हिंदू एकता नहीं विपक्षी वोटों के बटने के बूते हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार चल रही है, और उसमें एक भी खंभा गिरा जो उनका एक नाजुक संतुलन पर टिका हुआ है, एक भी खंभा उनके वोट बैंक का गिरा तो बिखर जाएगा। असली राहुल गांधी की परीक्षा होगी जब वो मुगल सराय के पास उत्तर प्रदेश में सासाराम के बाद उनकी यात्रा उत्तर प्रदेश में इंटर करेगी चंदौली में, तब पता चलेगा। बेहद कम वोटों से चंदौली की सीट बीजेपी ने जीती थी पिछली बार, बहुत बहुत थिन मार्जिन था, और मैं इसी बात पे कर रहा हूँ कि सारी परीक्षा उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अगर सीटों का बंटवारा संतोषजनक तरीके से हो गया, अलायंस यूपी में मजबूत हो गया, तो ये यात्रा उत्तर प्रदेश में भी बड़ा फर्क डाल सकती है। इस यात्रा का रूप मध्य प्रदेश और राजस्थान, तीन राज्यों में ही तय होना है कि सरकार दिल्ली में कौन बनाएगा,
नहीं उत्तर प्रदेश में यात्रा है क्योंकि भाजपा 90 पर रुक गई, सरकार से बाहर हो गई। इस चर्चा में तो लंबा हो जाएगा, मैंने एक सीट वाइज उस यात्रा के रूट को सीट वाइज समझाया था एक वीडियो में, उत्तर प्रदेश में सीट वाइज क्या संरचना है जो यात्रा का रूट है। उस रूट पर अगर ये अलायंस दुरुस्त रहा तो उस रूट पे यात्रा बहुत इंपैक्टफुल हो सकती है। फिलहाल आज मिट्टे मुद्दा में इतना ही, क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, मैंने कहा चार बड़ी बड़ी बैठकें जो न कर सकी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले बैठक में हो गया, और जो नहीं हो पाया असली खेल वहां पर है, जो नहीं हो पाया है जहां पर नए नए नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेगी गोदी मीडिया, असली खेल तो वहीं पर है। क्योंकि अब शरद पवार भी फेस होंगे, अगर नीतीश कुमार के मन में ऐसा है तो नीतीश कुमार भी फेस होंगे, ममता दीदी भी फेस होंगी, और खड़गे साहब तो फेस हैं ही। तो फिर इतने चेहरे और हर चेहरा एक बड़े धड़े का लोकप्रिय चेहरा है, फेस है। तो अगर अपने अपने चेहरों के पीछे उनका समाज खड़ा हुआ तो मुसीबत भारी होने वाली है मोदी जी को। फिलहाल एक नाम आपने छोड़ दिया, हाँ। एक नाम आपने छोड़ दिया, नरेंद्र मोदी भी फेस होंगे प्रधानमंत्री पद के, लेकिन सिर्फ गुजरात के, सिर्फ गुजरात की रीजनल पार्टी, जिसे गुजरात की रीजनल पार्टी कहते हैं अशोक वानखेड़े जी। फिलहाल आज मिंटे मुद्दा भी अशोक वानखेड़े में इतना ही, हम फिर आपसे मिलेंगे कल बड़ी खबर के साथ, कल दोपहर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।